राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने कहा, मेरे पिता दूरदर्शी नेता थे। अमेरिका में आया भीषण तूफान, एक शख्स की मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। नेपाल की तारीफ में जुटे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कहा चुनाव कराना सही कदम। WHO ने कहा, दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों में 21% की कमी आई। बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री की बेटी को नौकरी से बर्खास्त करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के ठिकानों पर CBI ने मारे छापे। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौके पर ही मौत, शादी से लौट रहे थे परिवार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत में हालात ठीक नहीं, बीजेपी ने देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है।